वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विक्की एंड यू आर वाचिंग कोटिया जी ब्लॉग्स। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, आज हम रिव्यू करेंगे स्टील बर्ड के हेलमेट का SBS 7 जो कि काफी चर्चा में था जब ये नया आया था। तो गाइस इसके स्टील बर्ड का हेलमेट के रिव्यू वगैरह मैंने काफी चेक किए थे, तो मुझे एक हेलमेट की जरूरत भी थी, तो मैंने सोचा कि एक हेलमेट खरीदा जाए नया। वैसे मेरा पहले वाला तो था ही, लेकिन मेरे को एक और हेलमेट चाहिए था क्योंकि आजकल नियोन कलर्स में चल रहे हैं हेलमेट, तो मेरा भी काफ़ी मन था वो हेलमेट खरीदूं। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया और मैंने वो हेलमेट जो है खरीद ही लिया। तो इसके ना आप एक बार क्विक सिनेमैटिक्स देख लो। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. गाइस जो ये हेलमेट है ना, काफी अच्छा हेलमेट था, रिव्यू वगैरह अच्छे थे, तो हेलमेट मैंने खरीदा। और ये हेलमेट जो है मैंने करोल बाग में आर्य समाज रोड पर जो फेमस शॉप है ना चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स के नाम से, तो वहां से ये मैं हेलमेट मैंने खरीदा है। और उन्होंने मुझे डिस्काउंट भी काफी अच्छा दिया था, तो उन्होंने मुझे इसकी MRP जो बताई थी ना वो 1950 रुपये बताई थी ये स्टील बर्ड के SBS 7 की। और वहां पर मैंने जब उनको बोला सर आपकी यूट्यूब पे मैं वीडियो देख कर आया हूँ, काफ़ी अच्छी शॉप है आपकी, तो उन्होंने ना मुझे डिस्काउंट दिया है, ये 1650 रुपये का मुझे ये पड़ा है। तो गाइज देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, तो इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है, निकलेगा क्या हेलमेट। ही है स्टील बर्ड का, काफी अच्छा हेलमेट था, रिव्यू बहुत अच्छे थे, तो इसको हमने बाय किया। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसका नियोन कलर है ना, इतना प्यारा कलर है, देखते ही आंखों में। ये देखो चीज। तो गाइस के कुछ फीचर्स आपको मैं बता देता हूँ, ये कट हेलमेट है, इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसके अंदर डबल वाइजर दिया गया है, ये देखिए डबल वाइजर है जो कि हमारे आई को काफी प्रोटेक्ट करता है, धूप में छाव में आप कभी भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और तो बंद भी कर सकते हैं इजीली। और इसके अंदर का जो मटेरियल दिया गया है ना, ये देखिए पूरा डिटैचेबल है, ये जो सारा मटेरियल देख रहे हैं आप इसके अंदर सारा डिटैचेबल है, इसको निकाल कर आप वॉश कर सकते हैं और दोबारा इसे क्लीन करके इसको आप दोबारा से फिट कर सकते हैं इसके अंदर। तो एक बार इसको आपको मैं पहन के दिखा देता हूँ क्या ग्रिपिंग है इसकी। जब ये हेलमेट देखा था ना उसी वक्त आंखों को भाग गया था, तो इसको मैंने सोचा ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको पीछे सिल्वर कलर में। और एक बार इसको बंद कर लेते हैं, पूरा ये हेलमेट पूरा फिट हो चुका है इस वक्त मेरे चेहरे पर, मेरे सर पे जरा सा भी लूज नहीं लग रहा है ये हेलमेट, ये देखिए। और आप पीछे देख सकते हैं एयर वेंटिलेशन के लिए पीछे होल्स दिए गए हैं। और इसको ओपन करके देखते हैं इसका फेस कट जो है, ये देखिए कुछ इस तरीके की लुक है। और इसका अगर मैं वाइजर, अगर डबल वाइजर जो इसके अंदर वाइजर दिया हुआ है वो इसको ऑन करके देखूं, निकाल कर देखूं, तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये। अभी इसके अंदर टेपिंग है, टेपिंग हटा लेते हैं। तो कुल मिला के गाइस पूरी वर्थ है ये, मात्र 1650 रुपये का हेलमेट है जो इसकी एक्चुअल MRP है जो 1900 रुपये की है, तो मैं डिस्काउंट करके ना ये 1650 रुपये का मिला ये हेलमेट। तो आज ही आप जाइए स्टील बर्ड का हेलमेट ले सकते हैं, पूरी वर्थ है गाइस।